फेस टू और पैराडाइज हिल्स ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे कंपनी ब्रिज बनाने जा रही है, और इस वक्त वहाँ पे ब्रिज उन्होंने बना दिया हुआ है और सिर्फ उसके ऊपर अब एस्फाल्ट होने वाला रह गया है। ये 60 फीट वाइड रोड है, ये कनेक्ट होगी फेस टू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अदील और आप देख रहे हैं अल कबीर बिल्डर एंड प्रॉपर्टीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो सिटी सराय आलमगीर के पैराडाइज हिल्स ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे, आपको डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, ये ब्लॉक क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है, वो सारी बातें इंशाल्लाह इस पूरे ब्लॉग के अंदर हम करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इस ब्लॉग की डेवलपमेंट बताता चलूँ और इसके साथ यहाँ पे जो मजीद कंपनी की तरफ से डेवलपमेंट हो रही है वो भी बताऊँगा। और मेरी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे पार्क के इर्द गिर्द 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला और 10 मरला के यहाँ पे आपको घर नज़र आ रहे हैं। ये सामने आपको सारे 5 मरला के घर मिल जाते हैं, वो सामने आपको सारे 7 मरला के मिल जाते हैं, और पार्क के साथ भी विलास बने हुए हैं 5-5 मरला के। उसके अलावा जब इस ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं क्लॉक टावर वाली साइड से, तो वहाँ पे 10-10 मरला के बड़े बेहतरीन प्लॉट बने हुए हैं। और इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नए लोग भी इस ब्लॉक के अंदर अपना घर बना रहे हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि वो मेरी बैक साइड पर इस वक्त फाउंडेशन का काम मुकम्मल हो चुका है और ऊपर उसकी चिनाइयाँ शुरू होने वाली हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं इस साइड पे भी एक माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है इस पूरे ब्लॉक के अंदर, और हर बंदा अब इस ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है वो ये रीज़न है कि ये सेक्टर 2 का स्टार्टिंग वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर कंपनी की तरफ से एक और बेहतरीन एडिशन किया गया, मेरे सामने आप देख सकते हैं, वो सामने फेज़ 2 और पैराडाइज हिल्स ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे कंपनी ब्रिज बनाने जा रही है, और इस वक्त वहाँ पे ब्रिज उन्होंने बना दिया हुआ है और सिर्फ उसके ऊपर अब एस्फाल्ट होने वाला रह गया है। ये 60 फीट वाइड रोड है, ये कनेक्ट होगी फेज़ 2 के साथ। तो जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशरी होगा। उसकी मेन रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी इस ब्लॉक के लोग होंगे, उन्होंने अगर बाहर जाना है तो सबसे नज़दीक फेज़ 2 है, तो चाहे यहाँ से आप दोबारा ऊपर से घूम के जाएं, यहाँ से भी अगर आप चले जाएं तो सेक्टर 1 से आप जा सकते हैं, फेज़ 2 से जा सकते हैं। उसके अलावा कल को आपके बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो बिल्कुल ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको रूट्स इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट झेलम का सबसे बड़ा ज़ू मिल जाएगा इस ब्लॉक के बिल्कुल सामने। और इस ब्लॉक के साथ ही कंपनी की तरफ से यहाँ पर विलास इंशाल्लाह फ्यूचर में बनेंगे। तो ओवरऑल जितना भी देखा जाए, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस वक्त रेडी है और फेज़ 2 के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, तो इस रेडी ब्लॉक के अंदर अगर आप अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको फुली कैश के ऊपर आपको 5 मरला, 7 मरला, 6 मरला, 10 मरले तक यहाँ पे आपको प्लॉट मिल सकता है। इस वक्त जो कंपनी की तरफ से नए प्लॉट आए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इस वक्त मेरी राइट साइड पर आप देख सकते हैं इस साइड पर कि यहाँ पर जितने भी आपको ये नए प्लॉट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको ये मिट्टी पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये कंपनी ने रिसेंट लॉन्च की है, तो इनकी इन्वेंट्री भी बड़ी लिमिटेड सी है, क्योंकि पुराने प्लॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे। इसमें आपको 6 मरला, 7 मरला के प्लॉट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं पुरानी कटिंग के अंदर। 5 मरला की अभी भी अवेलेबिलिटी है, मगर रेट काफ़ी अच्छे हो गए हैं। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ओन पे चल रही हैं, कुछ आपको लेवल पे मिल जाएंगी, अच्छे रेट पे भी मिल जाएंगी। और अगर आपने नई बुकिंग वाली चीज़ें लेनी है तो वो आपको बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे ही ये ब्लॉक सेक्टर 2 के गेट से स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के प्लॉट आपको नंबर लगे हुए मिल जाएंगे। तो अभी का बेहतरीन ऑप्शन यही है कि जो लोग यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं, तो पोजिशनेबल ब्लॉक है ये पूरा, और इस वक्त इसकी लोकेशन भी हर लिहाज से बेहतर है। जो लोग यहाँ से आगे आईफिल की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी सबसे बेहतर है, जो लोग यहाँ से सेक्टर 1 जाना चाहते हैं, बाय मेन जीटी रोड पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस ब्लॉक के लिहाज से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और मस्जिद बिल्कुल इसके सामने ब्लॉक में है। इसके अलावा आपको बैंक वगैरह जाना पड़ता है, तो सबसे नज़दीक ये वाला ब्लॉक है। सेक्टर 2 के अंदर जो जितने भी ब्लॉक्स हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, प्राइम ब्लॉक है और सुप्रीम ब्लॉक है, सुप्रीम विला ब्लॉक है, उन सारे ब्लॉक्स को अगर देखा जाए तो सबसे जो अच्छा ब्लॉक है, सबसे बेहतरीन ब्लॉक है, वो पैराडाइज हिल्स ब्लॉक है। जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, और क्योंकि सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो इसका पार्क है,
मेट्रो सिटी के अंदर इस तरह का बेहतरीन पार्क, हिली पार्क और किसी भी ब्लॉक में नहीं दिया गया, सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। फिर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है। उसके अलावा हमारे जो जवान लोग हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनके वॉकिंग के लिए बड़ा बेहतरीन यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है और बेहतरीन यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है। हर वक्त आपको ये देखें गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, हर स्ट्रीट के अंदर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा और बेहतरीन सिक्योर सोसाइटी है, बेहतरीन ब्लॉक किस्म का ब्लॉक है। तो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैराडाइज हिल्स ब्लॉक में कोई चीज़ सेल करने के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ बेहतरीन सर्विसेज दी जाएंगी और अच्छे रेट पे आपका प्लॉट सेल किया जाएगा। अगर आपने लेना है तो इंशाल्लाह अच्छी परचेजिंग करवा के देंगे आपको। और ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये जो ब्रिज बन रहा है ये आने वाले टाइम का गेम चेंजर हो सकता है। उसकी मेन रीज़न आपको बता दी है कि सेक्टर 2 का पहला ब्लॉक ये वाला है और उसके साथ ही फेज़ 2 इसको कनेक्ट हो रहा है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अदील को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए अलकबीर बिल्डर एंड प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।